नमस्कार खबर बाल न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से मैं आपका स्वागत है मैं हूं बालकृष्ण मुले और आइए सबसे पहले बात करते हैं अंततः आई गए ऐतिहासिक फैसले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अब फैसले की सरकार बन चुकी है सरकार ने 370 और 35 ए पर ऐतिहासिक फैसला कर दुनिया के साथ साथ समूचे विपक्ष को सन तो देशवासियों के कानों को पूरी तरह से खड़ा करके रख दिया है क्या दुनिया क्या देश सब जगह फैसले की चर्चा की जा रही है साथ ही उस चर्चा पर विराम लग गया है जिसमें यह कहा जा रहा था कश्मीर में क्या होगा सभी ने मान लिया जो हुआ तीनों ने मिलकर किया और ऐतिहासिक किया अब जिधर कान लगा उधर ही नफे नुकसान की चर्चा हो रही है कहा जा रहा है क्या जम्मू क्या कश्मीर और क्या लद्दाख अब तीनों में होंगे पीएम मोदी के देखे सपने पूरे देखते रह जाओगे देखते रहो एक सस्पेंस जो सप्ताह भर पहले से हर दिलो दिमाग पर मानो घर कर गया था पूरा देश एक ही सवाल कर रहा था अब कश्मीर में क्या होगा हर तरफ से की गई अचूक घेराबंदी के साथ एक फैसला आया और वही हुआ जिसकी कल्पना बरसों बरस पहले भाजपा ने अपने जहन में बैठाई थी समय की मांग कहे कि भाजपा की मोदी सरकार ने फैसले को सही समय सही दिन और सही तारीख को मूर्त रूप दे दिया फैसले के शिल्पकार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह और अजीत डोभाल ही बने और पूरी दुनिया के साथ साथ देश के जनमानस पर छा गए कुछ इसी तरह की चर्चाएं देश दुनिया के गलियारों में हो रही है कहा जा रहा है सरकार ने 370 और 35 ए पर ऐतिहासिक फैसला कर पूरे विपक्ष को सन्न कर दिया तो देशवासियों के कानों को पूरी तरह से खड़ा करके रख दिया पूरा देश अब टकटकी लगाए फैसले के बाद के फॉलोअप पर नजरे टिकाए हुए हैं अब क्या दुनिया क्या देश सब जगह एक साथ फैसले की चर्चा हो रही है कहा जा रहा है शिव भक्तों की एक कैबिनेट ने एक बैठक का तीन अलग अलग बड़े फैसले लिए क्या बात तीनों की वाहवाही की जा रही है कहा जा रहा है फैसलों की शुरुआत शाह ने अपने अंदाज में ली और सबसे बड़े और पहले और जोर का झटका धीरे से देते हुए जम्मू कश्मीर को 370 के तहत मिले विशेषाधिकार को हटाने का संकल्प लिया और साथ ही यह भी फैसला कर लिया कि अब जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन होगा और लद्दाख केंद्र शासित घोषित हो गया यह सुन विपक्ष तो मानो सन्न रह गया हंगामा बरपाया गया लेकिन महामहिम राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह के किए के बाद अब चर्चाओं का बाजार गर्म है कहा जा रहा है सरकार ने अपने सारे रास्ते एक ही झटके में पूरी तरह से खोल दिए साथ ही साफ भी कर दिया समूचे देश में एक संविधान एक कानून की बात शुरू हो गई कहा जा रहा है अब भाजपा किया हर वादा पूरा करेगी जिसकी नींव फैसले के साथ तीनों कर्णधारों यानी मोदी शाह और डोभाल ने डाल दी तीनों मिशन कश्मीर फतेह करने निकल पड़े देश भर में फैसले के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है और कहा जा रहा है कि जो मिशन पीएम मोदी को शुरुआत से ही टेढ़ी खीर लग रहा था उसे शाह की शहनशाही ने मीठी खीर बना दिया शाह ने उन नेताओं को बड़ा झटका दिया जो कश्मीर को अलग देश बनाने का सपना देख रहे थे लेकिन इस तिकड़ी ने उन्हें ही अलग थलग कर दिया मोदी शाह की जोड़ी ने कश्मीर में अलगाववादियों को सबक सिखाने के लिए ऐसा घेरा डाला कि अब वहां केवल सुरक्षा बल ही सुरक्षा बल नजर आ रहा है कोई कश्मीर की तरफ नजर उठाकर देखे मानव सोच को ही नस्तनाबूद करने का मन बनाया गया अब जिधर कान लगा उधर से मोदी शाह और डोभाल के फैसले की चर्चा हो रही है कहा जा रहा है मोदी शाह से यही उम्मीद थी और वही हुआ है। इस फैसले का इंतजार करते करते पूरा देश थक सा गया था लेकिन अब सब कुछ समय सीमा में होने वाला है चर्चा है अब कश्मीर के अच्छे दिन आने वाले हैं कश्मीर स्वर्ग है लेकिन अब यह स्वर्ग मोदी के सपनों का स्वर्ग होगा जय श्री राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के 370 हटाए जाने और पैतीस को खत्म किए जाने के फैसले पर पूरी भाजपा खुश है और अपने आला नेताओं के गुणगान करने में जुट सी गई है इस अभियान में सबसे पहले बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि देश की जनता ने पीएम मोदी पर जो भरोसा जताया था उस पर वो खड़े उतरे हैं जिसका असर लंबे समय तक देखने को मिलेगा जैसे बड़े मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के 370 हटाए जाने और पैंतीस एक को खत्म किए जाने के फैसले पर पूरी भाजपा खुश और हर स्तर पर खुशियां मना रही है यही नहीं अब भाजपा के हर गलियारे में पार्टी नेता अपने आला नेताओं के गुणगान करने में जुट गए जैसे ही फैसला आया सबसे पहले बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गी ने यह कह दिया देश की जनता ने पीएम मोदी पर जो भरोसा जताया था उस पर वो खरे उतरे जिसका असर लंबे समय तक रहने को है जैसे ही बड़े विजयवर्गी का बयान आया सुबह के गलियारों में नेताओं के बयानों की झड़ी सी लग गई हर तरफ वाहवाही का वातावरण बन गया अब जिधर देखो उधर ही फैसले पर चर्चाओं का बाजार गर्म है और हर भाजपाई का सीना छप्पन इंच चौड़ा हो गया कहा जा रहा है पीएम मोदी का लिया फैसला डायनामिक है और फैसले ने समूचे पूरे देश को स्वाभिमान से लबरेज कर दिया बड़े विजय तो यहां तक कह गए कि देश के तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने जो भूल की थी उसे पीएम मोदी ने सुधार डाला तुष्टिकरण के कारण एक प्रधानमंत्री ने भूल की थी जिसे देश के दूसरे पीएम यानी मोदी ने पूरी तरह से सुधार दिया इसे असल आजादी करार दिया जा रहा है कहा जा रहा है यह जम्मू कश्मीर और लाखों लोगों के लिए आजादी है जो अब जाकर मिली है यही इस फैसले से भारतीय सेना का मनोबल भी बढ़ा अब बड़े विजयवर्गीय बोलकर हर किसी को उत्साह और रोमांच से भर रहे हैं कहा जा रहा है मोदी शाह के फैसले से पार्टी नेताओं को नई ऊर्जा मिली जिसका असर बयानों में भी देखा जा रहा है जिसकी चर्चा हर गलियारे हो रही है पार्टी नेताओं को अब यह भी लग रहा है कि जल्द ही राम मंदिर को लेकर भी कुछ इसी अंदाज में काम होगा और पार्टी अपने बरसों पुराने एजेंडे पर कश्मीर में धारा तीन और पैंतीस को खत्म किए जाने के ऐलान के साथ ही भाजपा में उत्साह छा गया है फैसले से उत्साहित पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं का मानना है कि निर्णय का असर अब भाजपा के हर कार्यक्रम पर पड़ने वाला है इसमें पार्टी का सदस्यता अभियान प्रमुख है जिसकी चर्चा पार्टी के हर गलियारे हो रही है कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के ताज़ा फैसले से देश भर में उत्साह का माहौल है जिसका लाभ सीधे सीधे पार्टी को अब मिलने को है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री और पार्टी के असल अध्यक्ष अमित शाह अपने द्वारा लिए गए दो फैसलों के बाद दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बन गए कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा फैसला कर लिया गया जिसका देश को करीब सात दशकों से इंतजार था जिसके लिए देश भाजपा के साथ एकजुट होकर हमेशा खड़ा भी रहा अब फैसला हो चुका है और ऐसे में सरकार की रीति नीति स्पष्ट हो चुकी है जिसकी चर्चा अब गलियारों में हो रही केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले का असर पार्टी पर भी सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है पार्टी कार्यालय के गलियारों से आ रही खबरें बता रही है कि अब देश का हर वर्ग सीधे सीधे भाजपा से जुड़ेगा और वो पार्टी का अहम हिस्सा बन देश और दुनिया में सिरमौर भी बनाएगा कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने और पैतीस ए को खत्म किए जाने का असर पार्टी की सदस्यता अभियान पर देखा जा रहा है कहा जा रहा है फैसले से पहले तक सदस्यता अभियान की गति और उत्साह नहीं के बराबर हर प्रांत में देखी जा रही थी लेकिन अब माहौल बदला है पार्टी में हो रही सीधी भर्ती के लिए लोग आगे आ रहे हैं कश्मीर मुद्दे पर पूरा देश एकजुट है और देश का हर नागरिक फैसले से खुश भी ऐसे में अब बचे दिनों में भाजपा सदस्यता अभियान का लक्ष्य पूरा करेगी पार्टी का आकलन है कि हो सकता है फैसले के बाद पार्टी अपने लक्ष्य को भी पार कर जाए फैसले से पहले तक पार्टी को लक्ष्य पूरा करने में पसीने छूट रहे थे कुछ प्रांतों में तो हालात बेहद खराब थे सूबे यानी मध्य प्रदेश की ही बात की जाए तो फैसले से पहले पार्टी प्रदेश के केवल चार जिलों में अपना टारगेट पूरा कर पाई थी बाकी जिलों में भाजपा की हालत पतली थी लेकिन अब कश्मीर मुद्दे पर पार्टी नेताओं द्वारा सरकार में रहते हुए जो फैसला लिया गया उसका असर सीधे सीधे पार्टी के सदस्यता अभियान पर पड़ा जिसकी चर्चा पार्टी के हर गलियारे में है

ये क्या जिस मुद्दे पर बोल बोल कर हम यहाँ तक पहुंचे हैं अब मौका आया तो हमारा ही मुंह बंद कर दिया चलो कोई बात नहीं सामान्य चर्चा तो हो ही सकती है और इसका भी खासा असर होता है जो होता दिखाई दे रहा है केंद्र सरकार ने न केवल धारा 370 हटाने का फैसला लिया बल्कि पैंतीस ए को भी खत्म कर दिया पार्टी के लिए ऐसे मुद्दे रहे जिन पर पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता ने अपना मुंह हमेशा खोल रखा और जब जब मौका मिला तब तब विरोधी दलों की रीति और नीति पर प्रश्नता गया लेकिन मोदी सरकार ने जैसे ही ये बड़े फैसले लिए उससे पहले ही सरकार के संगठन भाजपा ने अपने नेताओं के मुंह पर यह कहकर तालाबंदी कर दी कि सरकार के इस फैसले पर कोई दुष्परिणाम न हो इसकी चिंता करते हुए अपने सभी प्रवक्ताओं का अघोषित रूप से मुंह बंद कर दिया जैसे जैसे पार्टी के आला नेताओं का यह गुप्त संदेश सुबह भर पहुंचा नेताओं ने कहना शुरू कर दिया यह क्या अब सही समय आया है बोलने का सही मौका आया है पार्टी ने किसी भी प्रकार की बयानबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया कहा जा रहा है यह क्या जिस मुद्दे पर बोल बोलकर हम यहां पहुंचे अब मौका आया तो हमारा ही मुंह बंद कर दिया चलो कोई बात नहीं सामान्य चर्चा तो हो ही सकती है और इसका भी खासा असर भी सो वही कर लो अब जब से फैसला आया पार्टी कार्यालय में क्या नेता क्या कार्यकर्ता सभी की भीड़ लगातार बढ़ रही है फैसले के बाद से ही नेता और कार्यकर्ता समाचार चैनलों पर घंटों बुलेटिन देख रहे हैं बस इतना है जिन नेताओं को इस मुद्दे पर बोलने की सालों पुरानी आदत है वो अपनी बात कहीं नहीं रख पा रहे जिसे लेकर चर्चाएं हो रही है कहा जा रहा है भले बयानबाजी पर रोक है लेकिन चर्चा पर थोड़ी रोक है वो तो कर ही सकते हैं सो कर रहे हैं जिसका असर पार्टी के पक्ष में जब कर हो रहा है और संदेश भी अच्छा पहुंच रहा है वैसे पार्टी के सिद्धांत को समझने वाले यही कह रहे हैं पार्टी का गुप्त संदेश सही काम कर रहा है यदि ऐसा नहीं होता तो माहौल कुछ और होता और कड़वाहट आती बेवजह की बातें होती सो अलग ऐसे में पार्टी का अघोषित निर्णय ही सही है बस काम करो बहस में पड़ने की क्या जरूरत है यूं भी बहस करने से क्या हासिल होने वाला देश उनके साथ और देश के सवा करोड़ जनता फैसले का स्वागत कर रही है इससे ज्यादा और क्या चाहिए ऐसे में चुप रहने में ही सरकार और संगठन दोनों की भलाई है और अंत में बात करते हैं अलर्ट की केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा धारा 370 और 351 को लेकर लिए गए बड़े फैसले का असर पूरे देश भर में देखा जा रहा है और हर तरफ चर्चा का बाजार भी गर्म है और फैसले को लेकर उत्सुकता भी यह समय त्यौहार का भी है ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों ने कहीं कोई अप्रिय स्थिति ना बने इसकी चिंता करना शुरू कर दी है तौर से खाकी के गलियारों से आ रही खबरें बता रही है कि सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है और आम नागरिकों से अपील की है कि त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से सजग रहे और कानून व्यवस्था का भी पालन करते रहे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा धारा 370 और पैंतीस को लेकर किए गए बड़े फैसले का असर पूरे देश के साथ साथ सूबे के गलियारों में देखा जा रहा है हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म है और फैसले को लेकर उत्सुकता भी हर वर्ग में दिखी और सुनी जा रही है इस बीच सूबे की सुरक्षा एजेंसी ने अलर्ट जारी कर विशेष सतर्कता बरतने का निर्णय लिया जिसकी चर्चा की जा रही है कहा जा रहा है फैसले के बाद किसी तरह की कोई अपनी स्थिति न बने इसीलिए कानून व्यवस्था को लेकर सुरक्षा एजेंसी ने अपना अमला पूरी तरह से मैदान में उतार दिया और इस बात का ध्यान रखा की कोई भी शरारती तत्व कहीं कोई गड़बड़ी न करे इसका असर सूबे के साथ-साथ हर शहर में देखने को मिल रहा है कहा जा रहा है हर जगह विशेष सतर्कता के साथ एहतियात बतौर सुरक्षा इंतजाम खड़े कर दिए गए राजधानी से आ रही खबरें बता रही है सभी सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश जारी हो चुके हैं शरारती तत्वों पर पैनी नजर रखी जाए और मॉब लिंचिंग जैसी घटना ना हो इसके लिए आम नागरिकों में जागरूकता बढ़ाई जाए खाकी के गलियारों से आ रही खबरें बता रही है सभी पुलिस कप्तानों से कह दिया गया हाल ही में जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में की गई सुरक्षा बलों की तैनाती को ध्यान में रखकर विशेष एहतियात बरते धरने रैली और आंदोलनों को लेकर भी खाकी पूरी तरह से सतर्कता बरत ही रही साथ ही सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों को रोकने के लिए दिशा निर्देशों का भी कड़ाई से पालन करवाएं खाकी की अपील है सोशल मीडिया यानी व्हाट्सएप और फेसबुक पर पुरानी घटनाओं को जोड़कर फैक मैसेज बनाकर अफवाहें न फैलाए खाकी खुद सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए है जिसकी चर्चा अब सुबह भर में है गलियारों में बैठे चर्चा वीरों का कहना है का हर जागरूक नागरिक बने और अपने दायित्व का निर्वहन करे वो कानून का सम्मान करे कहीं कोई गड़बड़ दिखाई दे इस बात की सूचना खाकी को दे खबरबार न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते गलियारों से के आज के अंक में इतना ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए खबरबार न्यूज